इस्तेमाल करें। तो राइटिंग के लिए आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके नाखून से भी लिख सकते हैं और कोई भी अन्य शार्प ऑब्जेक्ट से भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप जो पेन दिया हुआ है उसी का इस्तेमाल करें। ये जो बटन है यहाँ पे, इसे आपको प्रेस करना पड़ेगा जो भी आपने लिखा हुआ है उसे मिटाने के लिए, तो वो इरेज बटन है। तो इस पेन के साथ में आप इस राइटिंग टैबलेट पर कुछ भी लिख सकते हैं और ये बटन प्रेस कीजिए इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए जो आमतौर पर पेंसिल और पेपर का इस्तेमाल करते हैं रफ वर्क के लिए। तो अगर ये LCD राइटिंग पैड का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो पेपर की काफ़ी बचत हो जाएगी। मैं इस राइटिंग पैड पर लिख रहा हूँ और जो लिखने का जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है जैसा कि मैं एक पेपर पे लिख रहा हूँ। तो ऐसा कोई आपको कोई अलग सा फीलिंग नहीं आएगा जब आप इस राइटिंग टैबलेट पर लिखेंगे, एकदम पेपर पर लिखने जैसा एक्सपीरियंस है। एक और चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि मैं अपना हाथ इस स्क्रीन पर रख रहा हूँ।